अरे बंद कर दो, अरे रुक जाओ ना, बंद कर दो माइक। जी आज विरोध प्रदर्शन रैली का आज आपने किया है, क्या है पूरा मामला और किसके विरोध में आई है रैली का? दिनांक 26 को छर्रा के विधायक माननीय रविंदर सिंह जी, हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की अस्थियों के सिराने सांकरा गए थे। वहाँ से वापिस जब वो लौट रहे थे तो यही लहरा पर यहाँ बहुत बड़ा एक समूह गायों का, बिजारों का रहता है, वो सड़क पे बैठा हुआ था। यहाँ के ग्रामीण पूरे क्षेत्र के लोगों में आतंक है गायों का, सांडों का, आवारा पशुओं का। उन्होंने ये समझते हुए कि हमारे क्षेत्रीय विधायक आ रहे हैं, हम उनसे मांग रखेंगे कि इनका इंतजाम कर दिया जाए, तो कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हो गए चौराहे पर और उनसे बात करना चाहा, लेकिन विधायक जी के साथियों ने अभद्रता की उनके साथ और बदतमीजी की। उसके तौरन बाद ही एसओ भी आ गए, सीओ भी आ गए और उन्होंने सब लोगों को समझाया और कहा कि कल आप आना, हम लोग इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन आज जाते ही थाने में उन्होंने निर्दोषों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया और उसके बाद मुकदमा अज्ञात भी लिखाया गया, 11 लोगों को नामजद किया गया, 8 लोग जेल भेज दिए, निर्दोष पढ़ने वाले बच्चे भी जेल भेज दिए। और आज आलम यह है कि पूरे लहरा में पुलिस का आतंक है, पूरे लहरा में आप जानकारी करिए कोई भी अपने घर पे नहीं सो रहा है। तो हम लोगों की ये मांग है कि ये जो निर्दोष लोगों पे अत्याचार हो रहा है उसको प्रशासन द्वारा बंद किया। ज्ञापन भी देंगे आज आप लोग? आज हम लोग ज्ञापन भी देंगे। क्या मांग रखी है? मांग हमने रखी है कि ये जो झूठे मुकदमे हुए हैं उनको वापस लिया जाए और जो अज्ञात में लोगों के खिलाफ पुलिस धरपकड़ कर रही है उसको भी जो है उसको शांत कराया जाए, मुकदमे वापस लिए जाए और ग्रामीणों के साथ न्याय किया जाए। अगर मुकदमे वापस नहीं होते समाजवादी, अगर मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो हम पूरे समाजवादी के लोग ये निर्णय करेंगे, ये आपस में बैठ के मंत्रणा करेंगे कि आने वाले दिनों में हम और संघर्ष करेंगे, निर्दोष लोगों के लिए संघर्ष करने की रूपरेखा आगे घोषित की। और आप ये कौन कर रहे हो?